उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने शाहजहांपुर पहुंचने पर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वे यहां नहरों की सिल्ट सफाई से संबंधित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा, ये बात सभी लोग जानते हैं और जज भी जानते हैं। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोताही बरत रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, रमैती सा रामा, जो समय रमण करता है वो राम है। आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, जज भी जानते हैं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है। महाराज दशरथ के पुत्र थे, 3 रानियां थीं, 4 पुत्र थे, सभी जानते हैं अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा, ऐसे कोई रोक ही नहीं सकता। भव्य और दिव्य मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय लेने में थोड़ा कोताही बरती है, हमें तो आश्चर्य है सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से कार्य कर रहा है। और जो आज एक राजनीतिक बयान आया है कि कोई पलायन कर रहा है, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं, जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। योगी सरकार सबको सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध है, कहीं किसी के साथ असुरक्षा का वातावरण नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था चाक चौबंद है, अयोध्या में राम का मंदिर बने।